आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में चुनावी बिसात अब आकार लेने लगी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने प्रत्याशी तय करने के लिए अंतिम दौर में हैं। लेकिन चुनाव विश्लेषकों की माने तो वर्ष 2018 के चुनाव में 3% या उससे कम अंतर से हार जीत तय करने वाली 39 सीटों पर दोनों ही पार्टियों का फोकस है। माना जा रहा है कि इन 39 सीटों पर जो पार्टी फतेह प्राप्त करने में सफल रही वही सत्ता के ज्यादा नजदीक होगी। एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में चुनावी बिसात लगभग बिछ चुकी है। कांग्रेस और भाजपा अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में लगी हैं। एक दो दिन में दोनों ही पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर देगी। लेकिन अगर पिछले चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो 39 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का प्रतिशत 3% या 3% से कम रहा है। वर्ष 2018 के चुनावों में इन 39 में से 17 सीट भाजपा को तो 14 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने में इन 14 सीटों की अहम भूमिका रही। वही भाजपा का आंकड़ा 78 तक पहुंचाने में 17 सीट शामिल रही। खानपुर से भाजपा के नरेंद्र नागर को 85,964 वोट तो कांग्रेस के सुरेश को 83,719 वोट मिले और जीत का अंतर 2,265 वोट यानी 1.25% रहा। बेंगू से कांग्रेस के राजेंद्र सिंह विधुड़ी को 99,259 वोट तो भाजपा के डॉक्टर सुरेश धाकड़ को 97,586 वोट मिले और जीत का अंतर 1,661 वोट यानी 0.78% रहा। छबड़ा से भाजपा के प्रताप सिंह सिंघवी को 79,707 वोट तो कांग्रेस के करण सिंह को 75,963 वोट मिले और जीत का अंतर 3,744 वोट यानी 2.11% रहा। सांगोल से कांग्रेस के भरत सिंह को 74,154 वोट तो भाजपा के हीरालाल नागर को 72,286 वोट मिले और जीत का अंतर 1,868 वोट यानी 1.22% रहा। बूंदी से भाजपा के अशोक डोगरा को 97,370 वोट तो कांग्रेस के हरिमोहन शर्मा को 96,657 वोट मिले और जीत का अंतर 713 वोट यानी 0.33% रहा। आसीन से भाजपा के झाबर सिंह को 70,249 वोट तो कांग्रेस के मनीष मेवाड़ा को 70,095 वोट मिले और जीत का अंतर 154 वोट यानी 0.08% रहा। भीम से कांग्रेस के सुदर्शन सिंह रावत को 49,355 वोट तो भाजपा के हरि सिंह चौहान को 45,641 वोट मिले, जीत का अंतर 3,714 वोट यानी 2.29% रहा। घाटोल से भाजपा के हरेंद्र निनामा को 1,01,121 वोट तो कांग्रेस के नाना लाल निनामा को 96,672 वोट मिले, जीत का अंतर 4,449 वोट यानी 2.08% रहा। सागवाड़ा से बीटीपी के राम प्रसाद को 58,406 वोट तो भाजपा के शंकर लाल को 93,824 वोट मिले, जीत का अंतर 4,582 वोट यानी 2.69% रहा। वल्लभ नगर से कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शक्तावत को 66,306 वोट तो जीएसआर के रणधीर सिंह भिंडर को 62,587 वोट मिले, जीत का अंतर 3,719 वोट यानी 2.01% रहा। गोगुंदा से भाजपा के प्रताप लाल भील को 82,599 वोट तो कांग्रेस के डॉक्टर मांगीलाल गरासिया को 78,186 वोट मिले, जीत का अंतर 4,413 वोट यानी 2.50% रहा। रानीवाड़ा से भाजपा के नारायण सिंह देवल को 88,887 वोट तो कांग्रेस के रतन देवासी को 85,482 वोट मिले, जीत का अंतर 3,405 वोट यानी 1.86% रहा। चौहटन से कांग्रेस के पद्मा राम को 83,601 वोट तो भाजपा के आदू राम मेघवाल को 79,339 वोट मिले, जीत का अंतर 4,262 वोट यानी 2.18% रहा। सिवाना से भाजपा के हमीर सिंह भायल को 50,657 वोट तो निर्दलीय बालाराम को 49,700 वोट मिले, जीत का अंतर 957 वोट यानी 0.60% रहा। पचपदरा से कांग्रेस के मदन प्रजापत को 69,393 वोट तो भाजपा के अमरा राम को 66,998 वोट मिले, जीत का अंतर 2,395 वोट यानी 1.51% रहा। भोपालगढ़ से आरएलपी के पुखराज को 68,386 वोट तो कांग्रेस के भवरलाल बलाई को 63,424 वोट मिले, जीत का अंतर 4,962 वोट यानी 2.63% रहा। मारवाड़ जंक्शन से निर्दलीय खुशवीर सिंह को 58,921 वोट तो भाजपा के केसाराम चौधरी को 58,670 वोट मिले, जीत का अंतर 251 वोट यानी 0.16% रहा। नावा से कांग्रेस के महेंद्र चौधरी को 72,168 वोट तो भाजपा के विजय सिंह को
69,912 वोट मिले। जीत का अंतर 2,256 वोट यानी 1.30% रहा। मकराना से भाजपा के रूपाराम को 87,201 वोट तो कांग्रेस के जाकिर हुसैन को 85,713 वोट मिले। जीत का अंतर 1,488 वोट यानी 0.81% रहा। मसूदा से कांग्रेस के राकेश पारिक को 86,008 वोट तो भाजपा के सुशील कंवर को 82,634 वोट मिले। जीत का अंतर 3,374 वोट यानी 1.84% रहा। ब्यावर से भाजपा के शंकर सिंह रावत को 69,932 वोट तो कांग्रेस के पारसमल जैन को 65,430 वोट मिले। जीत का अंतर 4,502 वोट यानी 2.77% रहा। बांदीकुई से कांग्रेस के गजराज खटाना को 56,433 वोट तो भाजपा के रामकिशोर सैनी को 51,669 वोट मिले। जीत का अंतर 4,764 वोट यानी 3% रहा। नदवई से बसपा के जोगेंद्र सिंह आवाना को 50,976 वोट तो भाजपा के कृष्णेंद्र कौर दीपा को 46,882 वोट मिले। जीत का अंतर 4,094 वोट यानी 2.28% रहा। बहरोड से निर्दलीय बलजीत यादव को 55,160 वोट तो कांग्रेस से रामचंद्र यादव को 51,324 वोट मिले। जीत का अंतर 3,836 वोट यानी 2.40% रहा। तिजारा से बसपा के संदीप कुमार को 59,468 वोट तो कांग्रेस के दुर्रो मियां को 55,011 वोट मिले। जीत का अंतर 4,457 वोट यानी 2.44% रहा। चाकसू से कांग्रेस के वेद प्रकाश सोलंकी को 70,007 वोट तो भाजपा के राम अवतार बैरवा को 66,576 वोट मिले। जीत का अंतर 3,441 वोट यानी 2.19% रहा। बगरू से कांग्रेस की गंगा देवी को 96,635 वोट तो भाजपा के कैलाश चंद्र वर्मा को 91,292 वोट मिले। जीत का अंतर 5,343 वोट यानी 2.52% रहा। मालवीय नगर से भाजपा के कालीचरण सराफ को 70,221 वोट तो कांग्रेस की डॉक्टर अर्चना शर्मा को 68,517 वोट मिले। जीत का अंतर 1,704 वोट यानी 1.19% रहा। फुलेरा से भाजपा के निर्मल कुमावत को 73,530 वोट तो कांग्रेस के विद्याधर सिंह को 72,396 वोट मिले। जीत का अंतर 1,132 वोट यानी 0.63% रहा। चौमू से भाजपा के रामलाल शर्मा को 70,183 वोट तो कांग्रेस के भगवान सहाय सैनी को 68,895 वोट मिले। जीत का अंतर 1,288 वोट यानी 0.70% रहा। शाहपुरा से निर्दलीय आलोक बेनीवाल को 66,538 वोट तो कांग्रेस के मनीष यादव को 62,683 वोट मिले। जीत का अंतर 3,855 वोट यानी 2.23% रहा। खंडेला से निर्दलीय महादेव सिंह को 53,864 वोट तो भाजपा के बंशीधर बाजिया को 49,516 वोट मिले। जीत का अंतर 4,348 वोट यानी 2.55% रहा। दांदरामगढ़ से कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह को 64,931 वोट तो भाजपा के हरीशचंद्र कुमावत को 64,011 वोट मिले। जीत का अंतर 920 वोट यानी 0.49% रहा। फतेहपुर से कांग्रेस के हाकम अली खान को 80,354 वोट तो भाजपा की सुनीता कुमारी को 79,494 वोट मिले। जीत का अंतर 860 वोट यानी 0.51% रहा। खेतड़ी से कांग्रेस के जितेंद्र सिंह को 57,153 वोट तो भाजपा के धर्मपाल को 56,196 वोट मिले। जीत का अंतर 957 वोट यानी 0.63% रहा। मंडावा से भाजपा के नरेंद्र कुमार को 80,599 वोट तो कांग्रेस के रीटा चौधरी को 68,253 वोट मिले। जीत का अंतर 2,346 वोट यानी 1.43% रहा। सूरजगढ़ से भाजपा के सुभाष पुनिया को 79,913 वोट तो कांग्रेस के श्रवण कुमार को 76,488 वोट मिले। जीत का अंतर 3,426 वोट यानी 1.77% रहा। चूरू से भाजपा के राजेंद्र राठौर को 87,233 वोट तो कांग्रेस के रफीक मंडेलिया को 85,383 वोट मिले। जीत का अंतर 1,850 वोट यानी 1.03% रहा। पीलीबंगा से भाजपा के धर्मेंद्र कुमार को 1,06,414 वोट तो कांग्रेस के विनोद कुमार को 1,06,136 वोट मिले। जीत का अंतर 278 वोट यानी 0.12% रहा। भाजपा कांग्रेस दोनों ने ही अभी तक जो सूची जारी की है उनमें भाजपा ने इन 39 सीटों में से घोषित सीटों पर वही पुराने 13 उम्मीदवार रिपीट किए हैं।
इसी तरह कांग्रेस ने भी अभी तक घोषित उम्मीदवारों में से 10 को दोबारा मौका दिया है, क्योंकि इन 39 सीटों पर जो पार्टी अपना मार्जिन बढ़ाने या वोटर टर्नआउट बदलने में कामयाब रहेगी, वही सत्ता के ज्यादा नजदीक पहुंचेगी। अब देखना होगा कि 39 सीटों के इस मायाजाल से निकलकर कौन सी पार्टी सत्ता के दरवाजे तक पहुंचती है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।